Assalamu alaikum, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about Executive District 1, Block B. And this Block B mein specifically Street 6, Street 7, Street 8, Street 9 और लेन नंबर 1 इन स्ट्रीट्स के बारे में, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10 एज वेल, इन स्ट्रीट पे जो 5 मंजिला के विलास बन रहे हैं उसके हवाले से है। ओवरऑल अगर बात की जाए एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट की, तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है कंपैरिजन टू ओवरसीज 1 वो स्लो है, क्योंकि ओवरसीज 1 में इस वक्त अगर डेवलप ब्लॉक्स का नंबर काउंट किया जाए तो तकरीबन 7 ब्लॉक ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं और 3 या 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो पार्शली डेवलप है, जिनके कुछ पार्ट्स पर काम हुआ है, कुछ पार्ट्स पर काम नहीं हुआ। जहाँ तक बात है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट की, तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ ब्लॉक बी में काम हुआ है, जो आप स्क्रीन पर सब फुटेज देख रहे हैं, ये स्ट्रीट नंबर 9, स्ट्रीट 10 की है। इसके अलावा ब्लॉक बी में, ब्लॉक सी में पार्शली कुछ लैंड वर्क हुआ है और कुछ आगे ब्लॉक एफ में, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक एफ में कुछ लैंड का काम, लैंड जो इनिशियल बेसिक अर्थ वर्क होता है उसका काम हुआ है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ब्लॉक बी में विलाज हैं ये किस स्ट्रीट पे लोकेट करते हैं और इस वक्त इनका डेवलपमेंट का स्टेटस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आज की डेट में यहाँ पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। जिन इंडिविजुअल्स ने 5 मंजिला के विलाज एग्जीक्यूटिव में बाय किए हैं या जिधर भी बाय किए हैं विलाज, उनके हवाले से काफ़ी एक अपडेट वीडियो है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का फीडबैक मिलता रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ऑन ग्राउंड कहाँ स्टैंड करती है। जहाँ तक बात है डेवलपमेंट का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी की, तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी में तकरीबन जितने प्लॉट्स हैं मोस्टली प्लॉट्स ऐसे हैं जो डेवलप हो गए हैं सिवाय कुछ स्ट्रीट्स के, बाकी जो विलाज वाली स्ट्रीट हैं उन पे स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9 तमाम पे विलाज का काम हो रहा है। कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिन पे ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है और कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिन पे अभी बेसिक जो इनिशियल चुनाई का काम होता है, जिसे कहते हैं प्लंथ बीम से ऊपर जो इनिशियल 3-3, 4-4 फुट काम हुआ होता है कंस्ट्रक्शन का, उस पे काम हुआ है। ओवरऑल ब्लॉक बी में जो विलास बनने हैं उनका नंबर तकरीबन 150 प्लस है, क्योंकि एक स्ट्रीट पे 24-23 प्लॉट्स हैं उसकी बैक साइड पे उतने, तो 50 प्लॉट सिर्फ एक स्ट्रीट पे बन जाते हैं, क्योंकि 5 मरला का साइज़ छोटा होता है कंपैरिजन टू 10 मरला और कनाल। कनाल के तकरीबन 24 विलास हैं जो ब्लॉक बी में बन रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो गोल्फ कोर्स के विलास बनने हैं उनके मॉडल विलास भी रेडी हो गए हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं ये जो इनिशियल लेन 1 और लेन 2, लेन 3 इसकी फुटेज है और ऑन ग्राउंड इसका स्टेटस ये है कि ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी में जो इनके साथ एक मेन एग्जीक्यूटिव का मेन बुलेवर्ड है उससे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ मैप पे, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैप पे ये जो सारा एरिया कहाँ लोकेट करता है और मैंने कहाँ से ड्रोन फ्लाई किया था और बाकी बातें मैं आपको वीडियो में आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वक्त हम स्क्रीन पे एग्जीक्यूटिव का ओवरऑल मैप देख सकते हैं। जो आज की वीडियो वो इस इन स्ट्रीट्स के हवाले से, इसमें स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10 और पार्शियल स्ट्रीट 11। और अगर हम लेन 1 की बात करें और मेन बुलेवर्ड की बात करें तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं इन पे भी विलासी कंस्ट्रक्शन काम का आगाज़ हो चुका है। अगर हम सिर्फ लेन 1 पे बात करें तो यहाँ पे 50 प्लॉट्स बनते हैं जिन पे विलास बनने हैं। इसके अलावा मोर देन 50 प्लॉट्स हैं इनफैक्ट, और बाकी जो पर लेन पर स्ट्रीट जो प्लॉट हैं, जैसे यहाँ पे 26 हैं इस स्ट्रीट में प्लॉट्स, इस स्ट्रीट में अगर बात की जाए तो 28 प्लॉट्स हैं। इस तरह डिफरेंट स्ट्रीट पर नंबर ऑफ जो प्लॉट हैं मोर 25 प्लस माइनस हर स्ट्रीट पर प्लॉट्स हैं और टोटल 5 स्ट्रीट्स हैं जिन पे विलास बन रहे हैं और एक लेन है जिस पे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। उसके अलावा जो ब्लॉक बी में ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो चुकी है प्लॉट्स की इन जनरल। अगर हम बात करें कि ओवरऑल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी के अलावा कौन से ब्लॉक हैं जिन पे काम हुआ है, तो मैं आपको मैप की मदद से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जिन पे भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं हुआ और बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जिन पे भी कंस्ट्रक्शन मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ ब्लॉक एफ है, यहाँ पर पार्शली काम हुआ जिसमें आप नीचे आपको अर्थवर्क नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है। ये अगर मैं टाइमलाइन पे देखूं कि ये वाले प्लॉट्स यहाँ पे बेसिक अर्थवर्क कहाँ तक है, तो ये आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी का पार्ट नज़र आ रहा है और आगे इस साइड पे बाकी जो एग्जीक्यूटिव के ब्लॉक्स हैं उन पे काम नहीं हुआ। अगर हम पास्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी में भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी कंपैरिजन टू ओवरसीज ब्लॉक। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के डेवलपमेंट कंपैरिजन टू ओवरसीज स्लो है। एक रीज़न तो उसकी चलो लैंडस्केप का डिफरेंस आता है कि लैंडस्केप डिफिकल्ट है, उसके अलावा जो बाकी ब्लॉक्स हैं एग्जीक्यूटिव के उनमें मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आने वाले दिनों में काम हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में काम नहीं हो रहा, सिर्फ बी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में काम हो रहा है और बाकी ब्लॉक्स पर भी काम नहीं हो रहा। वीडियो में आगे चल के मैं आपको ब्लॉक बी में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है उसके वाले से गाइड करूँगा और जिन लोगों ने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बाय कर रखा है और बैलेटिंग में उनका प्लॉट निकल आए हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर फीडबैक ले सकते हैं कि आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट का स्टेटस क्या है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, और इसको स्क्रीन पे आप जो मेन रिंग रोड, इंटरनल रिंग रोड है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का, उसकी फुटेज देख सकते हैं। उसके साथ जो बाकी एडजेसेंट लेन्स हैं जिसमें लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4 और बाकी जो स्ट्रीट्स की अगर बात करें तो स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, इसकी फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बैक पे आपको बैशिंग प्लांट भी नज़र आ रहा होगा जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव में विलास बन रहे हैं उसके लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इसी साइट पर अवेलेबल हैं। होपफुली एग्जीक्यूटिव की लैंडस्केप ऐसी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा
لینڈسکیپ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا اس طرح سے ایزی نہیں ہے جس طرح اوورسیز ون میں ایزی تھا، کیونکہ ایگزیکٹو بلاک ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ایلیویٹیڈ ہے کمپیریزن ٹو اوورسیز ون. اوورسیز ون میں کچھ سرٹن بلاکس ہیں، جو سرٹن بلاکس تھے انفیکٹ جو ایلیویٹیڈ تھے اور ان پہ ڈیولپمنٹ کے لیے بیسک ارتھ ورک میں ٹائم لگا. ایگزیکٹو بلاک میں صرف ایک بلاک میں ہی کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ وائز. ویسے اوور آل ایگزیکٹو بلاک بی میں، جس میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بات کی، بی کے علاوہ کسی اور بلاک میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ایز سچ کوئی مکمل نہیں ہوا. بلاک سی میں پارشل کام ہوا ہے، جس کی ویڈیو میں نے والے دنوں میں شیئر کر دوں گا، اور اس کے علاوہ بلاک ایف میں کچھ پارشل کام ہوا ہے. باقی بلاکس میں ابھی ڈیولپمنٹ اسی طرح اسٹینڈ کرتی ہے جیسے اسٹارٹ میں تھی. ایگزیکٹو بلاک بی کے خاص بات یہ کہ گولف کورس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ گولف کورس واقع ہے، اور جو انٹرنس ون روڈ جو اوورسیز پرائم کا مین انٹرنس گیٹ بنے گا، اس میں جو مین روڈ بنے گا جس کے ویڈتھ ہے 300 فیٹ، جس میں کارپوریٹ روڈ ہوگا 180 فیٹ. انیشلی یہ روڈ کا اسٹارٹ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس روڈ کو کنیکٹ کیا جائے گا ود ایگزیکٹو بلاک بی وایا دس برج، جس کو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے. انفیکٹ اس کے جتنے بھی سلیبز ہیں برج کے، ان کو بھی تقریباً تیار کر کے یہاں پہ سائٹ پہ ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس وقت جو باقی سے کالمز اور بیمز ہیں ان پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹو بلاک بی کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، اوپر نارتھ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو گولف کورس سے کچھ لیولنگ کا کام ہوا ہے، ابھی وہاں پہ گراسنگ کا کام ہوگا فائنل، اور اس کے بعد ایگزیکٹو بلاک میں جب پراپر ایکسیس مل جائے گی. ایگزیکٹو بلاک کی ری سیل اچھی نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے کہ ایگزیکٹو بلاک میں اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے جس طرح اوورسیز ون میں ہے. جب یہاں پہ ایک پراپر ایکسیس روٹ بن جائے گا، جب لوگ ایزیلی ایگزیکٹو بلاک میں آ جا سکیں گے، تو تب ہوپفلی ایگزیکٹو بلاک کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹو بلاک کی ڈیمانڈ نامینل ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے کمپیریزن ٹو اوورسیز ون اور اینی ادر بلاک، اوورسیز پرائم انفیکٹ. تو جب ان میں کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا. سو دس واز اٹ فرام ٹوڈے. اگر آپ کو اسمارٹ ٹرین بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ اویلیبل ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں +92345999881. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. رضوان چیما کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.